इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि कैसे एक डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट के मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन है टेबल की, इस पर क्लिक करने से हमारे पास ये इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। इसके अंदर हम लोग बताते हैं कि कितनी रोज़ हों उस टेबल की और कितने कॉलम्स हों, और कॉलम्स की वेट वो ऑटोमेटिक दें या हम लोग खुद स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम इसको ऑटो ही रहने देते हैं कि खुद ही जितना टेक्स्ट उसके अंदर हो उतनी ही उसको स्पेस दे। ये हमारे पास एक टेबल आ चुका है। टेबल फॉर्मेट के मेन्यू को हम लोग क्लिक करेंगे तो ये टेबल फॉर्मेट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हम इसके अंदर मौजूद सेल्स को, जो टेबल के अंदर तमाम सेल मौजूद हैं, इसको येलो कलर से फिल कर देते हैं और इसका बॉर्डर स्टाइल ब्लैक रहने देते हैं, वरना फिर इसका भी कलर यहाँ से चेंज किया जा सकता है और उसके बॉर्डर स्टाइल क्या हो, उसकी वेट क्या हो, उस बॉर्डर की कॉलम्स की वेट क्या हो, कॉलम्स के बीच में गैप कितना हो, टेबल इंडेंट कितना हो और टेबल राइट अलाइन हो, लेफ्ट अलाइन हो या सेंटर अलाइन हो। ये देखें, ये इसने टेबल को फॉर्मेट कर दिया है। अब अगर हमने ये फर्स्ट टू रोज़ को मर्ज कराना है तो हम इन दोनों रोज़ को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद राइट क्लिक करके टेबल लेआउट के अंदर मर्ज सिलेक्शन की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने से ये दोनों रोज़ आपस में मर्ज हो जाएंगी। अब इसके अंदर हम लोग कुछ टाइप करते हैं। सेंटर लाइन करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, टेबल के अंदर कुछ राइट किया जा सकता है। उसके बाद अगर हमने किसी रो को या कॉलम को डिलीट करना हो तो हम उसको सेलेक्ट करके टेबल लेआउट में ये रो को डिलीट करना हो, अगर इंसर्ट कराना हो तो इंसर्ट बिफोर कर देंगे, अगर डिलीट कराना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड रो जो होगी वो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से इंसर्ट टेबल करके हम लोग टेबल को इंसर्ट करते हैं, उसके बाद टेबल फॉर्मेट में टेबल को फॉर्मेट करते हैं और टेबल लेआउट में उसमें रो को या कॉलम को ऐड या डिलीट करा सकते हैं।